नमस्कार, उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स में बात करेंगे। ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उसमें पश्चिम एशिया को भारत का निर्यात खतरे में पड़ सकता है, साथ में अफ्रीका के साथ व्यापार पर भी असर हो सकता है। जो अधिकारियों का मानना है कि अफ्रीका के साथ निर्यात प्रभावित होने की आशंका है, इसलिए क्योंकि संयुक्त राज्य अमीरात के रास्ते बड़ी मात्रा में माल वहां भेजा जाता है, जो यूएई होता है। पश्चिम एशिया क्षेत्र से माल की आवाजाही का जो प्रमुख केंद्र कौन है, संयुक्त अरब अमीरात है। इस हिसाब से हम बात करें तो भारत से होने वाले कुल निर्यात का करीब 10% हिस्सा अफ्रीकी महाद्वीप में जाता है। 10% आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, 10% हिस्सा अफ्रीका महाद्वीप में जाता है। और साथ में जो चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों में इस इलाके के लिए $13.9 अरब का माल निर्यात किया गया है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष पर वाणिज्य विभाग की नज़र बनी हुई है। जो वाणिज्य विभाग है, ईरान और इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसमें किस रास्ते से माल को भेजा जाना है, जो अफ्रीका महाद्वीप में जो निवेश होता है, जो निर्यात का करीब 10% हिस्सा अफ्रीकी महाद्वीप में जाता है और $13.9 अरब का माल निर्यात किया जाता है। जो सरकार निर्यातकों के साथ बात कर यह पता करने की कोशिश कर रहा है कि जो माल की आवाजाही में जो व्यवधान उत्पन्न होते हैं और पेट्रोलियम आयात पर देश की निर्भरता के कारण व्यापार पर कितना असर हो सकता है। जो हम देखें तो पिछले महीने जो इजरायली हवाई हमले में लेबनान समर्थित हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई थी और अपने सहयोगी पर हमले के जवाब में ईरान ने इस महीने के शुरुआत पर इजराइल पर मिसाइलें भी दागी है। जो ईरान है वह शुरुआत में इजराइल पर मिसाइलें भी दागी है, इस पर भी असर पड़ सकता है। इस हिसाब से इसमें जो एक वरिष्ठ अधिकारी का मानना है कि अगर ईरान और इजराइल में जंग छिड़ती है तो उसका असर इन दोनों देशों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि असर पूरे पश्चिम एशिया पर पड़ेगा, क्योंकि मांग बढ़ाने में इस इलाके का अहम योगदान होता है और साथ में पश्चिम एशिया के रास्ते ढेर सारी वस्तुओं का निर्यात भी किया जाता है। ऐसे में अगर यह क्षेत्र प्रभावित होता है तो अफ्रीका और पश्चिम एशिया के लिए निर्यात पर असर हो सकता है। इस हिसाब से चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जुलाई तक भारत से पश्चिम एशिया को $20 अरब की वस्तुओं का निर्यात किया गया, जो उस दौरान किए गए कुल निर्यात का 14% है। पश्चिम एशिया देशों में 86% निर्यात खाड़ी सहयोग परिषद के 6 सदस्यों देशों यूएई, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, कुवैत और कतर को किया जाता है। साथ में निर्यात के साथ आयात भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि भारत पेट्रोलियम आयात के लिए इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे पश्चिमी एशियाई देशों पर निर्भर है। और साथ में अच्छी बात यह है कि भारत अब दूसरे देशों से भी पेट्रोलियम मंगा रहा है। भारत के लिए एक बड़ी बात यह है हमारे देश के लिए कि जो हमारा देश है वह दूसरे देशों से भी पेट्रोल मंगा रहा है और पूरी तरह पश्चिम एशिया देशों पर निर्भर नहीं है, पूरे तरीके से पश्चिमी देशों के पर भारत निर्भर नहीं है। इस हिसाब से इस पर असर तो पड़ सकता है, लेकिन जो पेट्रोलियम का जो निर्यात होता है, जो आयात करता है भारत, जो खरीदता है, तो उसमें हम बात करें तो पश्चिमी देशों से भी भारत अब देखा जाए जो भारत अब दूसरे देशों से भी पेट्रोलियम मंगा रहा है, जो पूरी तरह पश्चिम एशिया पर निर्भर भारत अब नहीं है। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं कि जुलाई तक भारत से पश्चिम एशिया को $20 अरब की वस्तुओं का निर्यात किया गया, जो उस दौरान के लिए कुल निर्यात का 14% है।
साथ में व्यापार की राह में वैश्विक परिवहन की चुनौतियां भी आ सकती है, उनसे निपटने के लिए दीर्घकालीन जो एक स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए वास्ते वाणिज्य विभाग जो जहाजरानी मंत्रालय के साथ बैठक भी करेगा। और निर्यातकों का कहना है कि भू राजनीतिक स्थिति खराब है और विवाद गहराने का खतरा बना हुआ है। इस हिसाब से अब हमारे देश को और भी स्ट्रेटजिक बनाने की आवश्यकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों हम एक करंट अफेयर्स ग्रुप में इस पर चर्चा करते हैं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हम भी स्टूडेंट हैं तो चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 2024 सिर्फ आपका है, 2 महीने बचा है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।